क्लास, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, 3 डिजिट नंबर, जिसमें हम 3 डिजिट के जो नंबर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनको ऐड करना सीखेंगे, उनको लिखना सीखेंगे, 3 डिजिट का नंबर, ठीक है। 3 डिजिट्स के नंबर हम इसमें पढ़ेंगे कि उनको रीड कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो 3 डिजिट के नंबर हम लोग रीड कैसे करते हैं। जैसे ये है 118 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, जो फर्स्ट नंबर है उसको 100 के साथ पढ़ेंगे, यानी 118, और इनको पढ़ते हैं साथ में। टेंस और वंस के नंबर हम देखो, अगर मैं इसके ऊपर वंस, टेंस और 100 लिख दूं तो ये 100 के साथ है, तो 100 एंड और टेंस और वंस को हम साथ में पढ़ते हैं, तो ये क्या बन गया, 118, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 118, और इसको लिखेंगे भी ऐसे और बोलेंगे भी ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये है 182, यानी 1 जो है ये यहाँ पर 1, यहाँ पर 10, यहाँ पर 100, इन दोनों को साथ बोलना है, 182, देखो 182, ठीक है बेटा, ऐसे आप इसको रीड करोगे। अभी हम आप रीड करना सीख रहे हैं कि 3 डिजिट के नंबर कैसे रीड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 199 लिखा है, तो 199, ठीक है, 199, देखो 199, तो आप पहले नंबर्स को बोलना सीखोगे कैसे बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 4.1 की बात करूँ तो देखो इसमें क्या है, आपको सिर्फ काउंटिंग लिखनी है, 101 से लेके 102 और यहाँ 150 तक आपको ये काउंटिंग फिनिश करनी है, तो ये एक क्वेश्चन आप बुक में करेंगे। 102 के बाद क्या आता है, 103, 104, 5, 106, 107, 108, 109 और ये 110, ऐसे ही आपको यहाँ तक की 150 तक काउंटिंग जो है वो फिनिश करनी है, ठीक है, अपनी बुक के अंदर ही करना है, क्योंकि काउंटिंग सबको आती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, इन फिगर, मतलब सबसे पहले क्या होता है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, ठीक है, इसको फिल करना है। फिगर मतलब आपको नंबर्स में लिखना है, जैसे ये है इसको बोलेंगे फिगर, जैसे ये 1487 लिखा हुआ है इसको बोलेंगे फिगर, ठीक है। 140, ठीक है, 104 टेंस एंड 0 वंस, ठीक है, यानी 100, देखो ऊपर लिखो वंस, टेंस, 100, 100 में आपको क्या बोला है 1, टेंस में क्या बोला है 4, वंस में क्या बोला है 0, ऐसे लिखेंगे। अब इसको पढ़ते कैसे है, 140, अभी मैंने आपको बताया था, तो इसको लिखेंगे भी कैसे, 140, FORTY, आपकी स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो दोबारा से, हमेशा जब भी आप नंबर लिखोगे वंस, टेंस, 100 डाल के लिखोगे, ताकि आपको पता रहे कि 100 के नीचे क्या लिखना है, टेंस के नीचे क्या लिखना है, वंस के नीचे क्या लिखना है। अब आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, 100, यानी 100 के नीचे 1, 6 टेंस, यानी टेंस के नीचे 6, और 0 1, यानी 0 के नीचे 1, तो ये, और इसको रीड कैसे करेंगे, 160, इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं, तो 160, SIXTY, 60, ठीक है। अब आप इसके 2 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, 2 मैंने आपको करके दिखा दिए और 2 आप खुद से करेंगे, ये आपको किसमें करना है, बुक में करना है, किसमें करना है, बुक में, ठीक है, और कॉपी में भी, दोनों में करना है, बुक और कॉपी दोनों में करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3rd क्वेश्चन क्या है, 109 टेंस एंड 3 वंस टुगेदर, इसको भी सेम लिखना है, पहले 100 टेंस वंस डालो, 100 में क्या है 1, टेंस में क्या है 9 और 3 में क्या है 1s, और सॉरी वंस में क्या है 3, ठीक है। अब सेम यहाँ पर 100 टेंस वंस, इसको लिखने के बाद आप ऊपर के 1s, 10s, 100 रफ भी कर सकते हो, ठीक है, ये लिखना ज़रूरी नहीं है आपको, बस क्योंकि अभी लिखना नहीं आता, अभी हमारी स्टार्टिंग है, तो इसलिए हम ऐसे लिखेंगे ताकि नंबर्स हमारे गलत ना हो। तो ये है 100, 6 टेंस और 2 वंस, ठीक है। अब इसके बाद मैं ऊपर के 1s, 10s, 100 रफ कर देती हूँ, मैंने नंबर पूरा नोट कर लिया, ठीक है, ठीक है बेटा, ये आप बुक में करेंगे। अब इसमें देखो व्हाट मेक्स टुगेदर, इसमें भी सेम करना है, 100, 6 टेंस एंड 8 वंस, तो 100 टेंस वंस, तो 100 के नीचे 1, टेंस के नीचे 6, 8 के वंस के नीचे 8, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप बाकी के बचे हुए खुद करेंगे, और ये दोनों क्वेश्चन आपको बुक में करने हैं, सेकेंड वाला कॉपी में भी करना है, और फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बुक में करना है, ठीक है बेटा, 4.1 के साथ। अब यहाँ पर आप देखेंगे 4.2 में सिर्फ आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, काउंटिंग दी हुई है, ठीक है, काउंटिंग दी हुई है, ये 200 से स्टार्ट है,
201 लिखा हुआ है तो यहाँ क्या आएगा 202, यहाँ 203 दिया हुआ है यहाँ आएगा 204, यहाँ 205 दिया हुआ है यहाँ आएगा 206, 7 दिया हुआ है 208, 210, ठीक है 210, देखो ऐसे लिखते हैं 10, ठीक है, यानी ऐसे, ठीक है, देखो 10, 1 और 0, ठीक है, यहाँ पर। अब 211, 212, ठीक है, ये जो 0 है ये अभी 3 तक चल रहा था, जब ये 13 बन जाता है तो 0 खत्म हो जाता है, 13 हो जाता है, जैसे यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ सेकंड क्वेश्चन देखो, मिसिंग नंबर्स दिए हुए आपको, ये 300 से काउंटिंग है 400 तक, तो कैसे करेंगे, 301 लिखा हुआ है, 302, 303, 304, और जब ये 305, ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे, 310 तक, हर कॉलम अलग अलग है तो आपको देख कर लिखना है। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ 321 से आपको ये काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो 322 आएगा यहाँ पे, फिर 323 आएगा, ठीक है, ऐसे आपको अब यहाँ पर है 391, तो 392, 393, 394, ठीक है, ऐसे करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए, ये 500 की काउंटिंग है 600, तो 501, 502 दिया हुआ है, 503, 504, जो मिसिंग नंबर्स है ये आपको काउंटिंग पूरी करनी है, एक भी क्वेश्चन आपको इसमें कॉपी में नहीं करना, सबके सब बुक में करने हैं। अब देखो ये 404 दिया हुआ है, यानी ये काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 401 से, तो यहाँ आएगा 402, 403, ये काउंटिंग आप पूरी करेंगे, यहाँ ये 431 से स्टार्ट है, तो 432, अब देखो यहाँ 465 दिया हुआ है, तो यानी 461 से स्टार्ट होगी ये, 462, और इसमें दिया हुआ है 482, तो 481, ऐसे आप ये पूरे टेबल को फिल करेंगे। यहाँ सारे क्वेश्चंस आपको जो 4.2 के हैं सब बुक में करने हैं, क्योंकि सारी आपको काउंटिंग दी हुई है, ठीक है, कोई 600 दी हुई है, कोई 500 दी हुई है, कोई 7 दिया हुआ है, कोई 800 का दिया हुआ है, कोई 7 यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है, तो आपको काउंटिंग्स जो है सिर्फ काउंटिंग काउंटिंग करनी है, तो 11 तक क्वेश्चन आपको सिर्फ बुक में करने हैं, इसमें से आपको कुछ भी कॉपी में नहीं करना है, ये सिर्फ आपका बुक वर्क है, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग्स लिखनी है, ठीक है। ये देखो ये 802 है, हर लाइन अलग है इसमें, जहाँ पर आपको ये दिया हुआ है बीच में बोल्ड लाइन्स दी हुई है, यानी ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये 801 से शुरू है, यहाँ 802 दिया हुआ है, अब यहाँ देखो 873 दिया हुआ है, तो ये 871 की लाइन है, 984 दिया है तो ये 981 की लाइन, 995 दिया हुआ है तो 991, 992, 993, ठीक है बेटा। आपके जो फर्स्ट वीडियो है यहीं पे फिनिश होती है, 4.1 और 2 दोनों ही आपको जो क्वेश्चन कॉपी में दिया है वो कॉपी में करना है, और 4.2 तो आपको पूरी ही पूरी बुक में ही करनी है, ठीक है बेटा।